क्या है और स्वच्छ भारत मिशन की जो दुहाई दे रहे हैं बड़े बड़े नेता मंत्री और किस तरीके से गांव में है आप देखिए किस तरीके। एक आवास नहीं, ऐसे कई आवास मिलेंगे जहां पे पानियों की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से निकाला जा रहा है उन्हें आप देख सकते हैं कि गंदा पानी किस तरीके से उन्होंने एकत्रित करने का, मतलब एक रास्ते को बचाने के लिए, अपने आवागमन के लिए किस तरीके से गड्ढे खोद के और गंदा पानी उसमें गिराते हैं और डेली उसकी सफाई करते हैं, बाल्टियों से भरकर ले जाके खेतों में डालते हैं। नलकी। अब ये देखिए यहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और इस हैंडपंप से कितने लोग पानी पीते हैं? पूरा गांव पीता है। पूरा गांव पीता है जी जी। ये एक हैंडपंप, पूरे मजरे में कितने हैंडपंप है? पूरे मजरे में एक ही है सर, एक जो उधर लगा है जो अपने हाथ से किसी ने लगवाया था। कितने हैंडपंप लगे? एक हैंडपंप लगा है सर पूरे मजरे में, पूरे ग्राम सभा मजरे में, पूरे पूरे कैथन खेड़ा में जो है एक हैंडपंप लगा है सरकारी जो है। एक गांव की बात सिर्फ है, कैथन खेड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। कैथन खेड़ा में इस पूरे मजरे में कितना हैंडपंप है? जी एक है, केवल एक है जी। और नाली वाली की क्या व्यवस्था है? जैसे मैं नाली देख पा रहा हूँ, नाली आप खुद ही देख रहे हैं, नाली तो बिल्कुल एकदम बेकार है। नाली बरसात में क्या स्थिति रहती है? बोलो 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 बोलो। बरसात में निखर नहीं पाओगे यहाँ पे, इतना पानी भर जाता, इतना पानी अंदर भर जाते, निकलते नहीं पानी आते, बरसात में निकलते नहीं बनता। उज्ज्वला योजना कहाँ तक पहुंची है मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि घर की एक बहू है और चूल्हे पे रोटी बना रही है, जबकि सांसद महोदया का आयोजन खुले शब्दों में कहना है कि हम लोगों ने बहुत क्षेत्रों में जाके और बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया है। किस तरीके का लाभ है आप ये जानकारी कर लीजिए और ये चीज देख लीजिए आज। क्या नाम है आप? राम भरोसे। राम भरोसे, राम भरोसे जी आप हमें ये बताएं कि ये बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है जिसमें गैस की व्यवस्था लोगों को दी जा रही है, गरीबों किसानों को, और आवास जैसे कि लोगों को जो ना आवंटन किए जा रहे हैं, शौचालय का भी मतलब आवंटन हो रहा है, तो इनमें से किसी प्रकार के जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आपकी आर्थिक स्थिति, किसी तरीके का कोई लाभ आपको नहीं दिख रहा है? अरे साहब ऐसा है कुछ मिलता ही ना है, हम दौड़ गए प्रधान की तब वो हमका ना ही कुछ मिला, तब हम वीरान बताओ कहाँ रही। ये बताइए कि वोटिंग से पहले यहाँ पे कितने सांसद विधायक या कोई ऐसा नेता जो आपके यहाँ गांव में आया हो? कौन कौन? वोटिंग से पहले वोट मांगने कोई आया था? वोट मांगने आए थे तब से। कौन कौन वोट मांगने आपके गांव में आया हो? वोट मांगने कौन कौन आया था? सांसद जी आए थे, अंजू बालाजी हाँ, विधायक जी आए, राजू राठौर सर जी मेरा नाम है, मैं किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जी। राजू राठौर जी आपके गांव में इतनी सारी समस्याएं हैं, इन चीजों को लेके जो है मुद्दे, इन मुद्दों को कभी आपने उठाया नहीं? सर हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं? किसी अधिकारी के आपने संज्ञान में डाले या? सर हमारे यही लंबू भाई साहब जो आपकी हमारी जो है मिली भगत चलती थी ठीक, इनको हमने दिखाया कि हमारे गाँव में इतनी दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें बरसों से चली आ रही आज तक किसी दिक्कत का समाधान नहीं हो पाया है आज तक, कोई भी दिक्कत, सब दिक्कतें इतनी सारी हैं, सबके घर गिरे पड़े हैं, सब किसी की ना विधवा पेंशन है, ना किसी की साठशाला मिलता है सर, ना किसी का राशन सही से मिलता है, ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, किन किन दिक्कतों का हम सामना करें, कोई हम इन सब दिक्कतों को कोई देखता ही नहीं सर। अच्छा उज्ज्वला योजना का यहाँ कितना लाभ मिला है लोगों को? सर किसी को नहीं, कोई किसी को सिलेंडर नहीं मिला है, किसी का नाम नहीं भरा है, किसी को सिलेंडर नहीं मिला। आवास इस मजरे में कितने हैं? सर गांव में आवास 4-5 मिले हैं कुछ लोगों को जो है बहुत सारी दिक्कतें, और आवास मिले भी हैं तो ढंग से पैसे नहीं मिलते, कभी 50,000 देते हैं, कभी 1,00,000 देते हैं, जो पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो आवास में किस तरीके की धांधली चल रही है, किसी तरीके की कमीशनखोरी या इस तरीके से बहुत से गाँव में ऐसे मामले चल रहे हैं कमीशनखोरी के जो सुनने में आता है दिन, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है? बहुत कमीशन खोरी है यहाँ पे, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, जो भी कॉलोनी आती है मान लीजिए 1,25,000 की आती है तो 1,00,000 देते हैं, 80,000 देते हैं। हमारा गुड्डू राठौर नाम से। किस गांव में रहते हैं, कौन सा मजरा है, कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक भरावन है और मजरा कैथन खड़ा है, मजरा बहुती है, हम यहाँ के बासिंदा है, कैथन खेड़ बासिंदा, कैथन खेड़ रहते हैं। यहाँ पे सर ऐसा है कि जो प्रधान को वोट लेने के समय पे आते हैं, पैर छुआ लेते हैं, हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, बाहर के जब मोहरे पे जाओ जूता मार के रपटाते हैं, कर भैया जी अंदर सो रहे हैं,
तो भैया जी को हम कहाँ तक देखेंगे? तो भैया जी को हम मोरे पे बैठे, वो भीतर चाय पीने सो रहे हैं, हमको चुटिया बना रहे हैं। हम जाते हैं तो उल्टा कहते हैं जाओ जिसको वोट दिया हो उससे वोट मांगो जाके। क्या कहते हैं? कह रहे जिससे वोट लियो उससे कॉलोनी मांगो, जिसको वोट दिए हो उससे कॉलोनी मांगो, हमको ना वोट दियो ना कॉलोनी देंगे। और किसी तरीके की कोई बात कहते प्रधान? प्रधान कहते हैं कि हमारे मोहरे पे आप ना आए करें, ना वोट दिए हैं, ना आपको समझते, ना आपका गांव वाले वोट दिया, ना आप दिए हैं, किसी ने वोट हमको नहीं दिए, हमको